वेलकम टू अन एकेडमी इंडिया लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और बच्चों, मैं मंजू कुमार आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अन एकेडमी पर। और बच्चों, ये सामने आप देख रहे हैं यूपी एग्जाम लक्ष्य यूपीपीएससी 2020 और ये पूरा टाइम टेबल 2 बजे से लेकर रात 8 बजे तक आपके सामने, और आप इसका फायदा उठा सकते हैं प्यारे बच्चों। चलिए चलिए, फायदा उठाइए बच्चों। आपको मिल रहा है मात्र 75 डेज में आपको पूरा कोर्स। चलिए बच्चों, लॉर्ड नॉर्थब्रुक की बात करेंगे प्यारे बच्चों। लॉर्ड नॉर्थब्रुक की बात करेंगे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और प्यारे बच्चों, वायसराय, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, वायसराय, इन सब की सीरीज हम लेकर आए थे। और इस सीरीज में हमने क्या क्या किया था बच्चों, यदि मैं आपको बता दूं तो हमने बंगाल के गवर्नर पढ़ लिए, रॉबर्ट क्लाइव, कार्टियर, वेंसी स्टार्ट, वेरी लास्ट, सारे पढ़ लिए। फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पढ़ लिए, वॉरेन हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस, वेलेजली, सब पढ़ लिए। और बच्चों, फिर हमने लॉर्ड विलियम बेंटिंक से भारत के गवर्नर जनरल पढ़ लिए। और भारत के गवर्नर जनरल पढ़ने के बाद मेरे प्यारे बच्चों, हमने भारत के वायसराय की सीरीज शुरू की, और वायसराय में हमने लॉर्ड कैनिंग को पढ़ा। और प्यारे बच्चों, एल्गिन, मेयो और लॉर्ड नॉर्थब्रुक को आज हम पढ़ रहे हैं। तो बच्चों, ये हमारी सीरीज है नॉर्थब्रुक के बाद, फिर अगले वायसराय, फिर अगले वायसराय, फिर अगले वायसराय आते चले जाएंगे। लिटन, रिपन, डफरिन, सब पढ़ेंगे हम, कर्जन और सारे। तो प्यारे बच्चों, आज आप जो है हमसे जुड़े रहिए इस सीरीज में। और सबसे पहले हम बात करेंगे, प्यारे बच्चों जल्दी जल्दी से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और हम देखते हैं कौन कौन प्यारे बच्चे आए हैं क्लास में, एक बार देख लेते हैं कौन कौन प्यारे बच्चे आए हैं और बच्चों से बात कर लेते हैं। ये प्यारे बच्चे हैं नीरज यादव, गुड इवनिंग बेटा। सीमा बालियान आई हैं, गुड इवनिंग सीमा बेटा, कैसे हो आप। और मनोज शर्मा, गुड इवनिंग बेटा। गुरु रंधावा, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग गुरु रंधावा जी को। और चांदनी कुमारी, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। राज सिंह राजपूत, गुड इवनिंग बेटा। मिस्टर सोन, गुड इवनिंग बेटा। दीपू कंडवाल, गुड इवनिंग बेटा। प्रतीक कुमार, गुड इवनिंग बेटा। और बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं। और दीपू कंडवाल, गुड इवनिंग बेटा। प्रतीक कुमार, हर हर महादेव बेटा, हर हर महादेव। चलिए, अभी बच्चे पूरे तरीके से आ नहीं रहे हैं, जल्दी जल्दी से बच्चों मैसेज कीजिए आप लोग, जल्दी जल्दी से बच्चों को मैसेज कीजिए, ग्रुप में मैसेज कीजिए, ताकि बच्चे जो है जल्दी से पहुंचे क्लास में, क्योंकि बच्चे क्लास में पहुंचे नहीं है अब तक। और लॉर्ड नॉर्थब्रुक के बारे में बात करनी है बच्चों, लेकिन लॉर्ड नॉर्थब्रुक से पहले इनके बारे में बात कर लीजिए। यह है मंजू कुमार जी, मेंटर एंड कोच फॉर सीएससी सिविल सर्विसेज के लिए पढ़ाते हैं। 8 साल का एक्सपीरियंस है इन हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर में। यूजीसी नेट क्वालिफाइड है, एक्सपर्ट है एग्जाम प्लानिंग और स्ट्रेटजी में। मेंटर 50,000 प्लस स्टूडेंट्स, 50,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को इन्होंने टीच किया है। और 50,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को इन्होंने टीच किया है बच्चों। और भारी संख्या में जो बच्चे सफल हुए हैं उनकी सफलता में मार्गदर्शक की भूमिका में रहे हैं। जल्दी जल्दी से बच्चों लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ठोकिए आप लोग। उमेश गैंगवार, राधे राधे बेटा, राधे राधे उमेश। और हर्षित श्रीवास्तव, और हर्षित श्रीवास्तव कह रहे हैं मे आई कम इन सर। बिल्कुल आ जाओ बेटा हर्षित, बिल्कुल आ जाओ बेटा, जल्दी से अंदर आ जाओ आप। चलिए बच्चों, हर्षित भी आ गए हैं और बच्चे आते जा रहे हैं। और जल्दी जल्दी से जुड़िए प्यारे बच्चों आप। और टेलीग्राम चैनल हिस्ट्री बाय मंजू कुमार आप लोग ज्वाइन कर लीजिए बच्चों, टेलीग्राम चैनल हिस्ट्री बाय मंजू कुमार आप ज्वाइन कर लीजिए। ये आपको लिए बेहद बेनिफिशियल रहेगा बच्चों, यहाँ से आपको पीडीएफ की जानकारी और बहुत सारी जानकारी मिलती रहेगी। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। चलिए 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 चलिए, और अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन बच्चों आप लोग ले ले, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन आप ले ले बच्चों। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन बेहद जरूरी है मेरे प्यारे बच्चों, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन
बेहद जरूरी है, वो आप ले लें। और अन अकेडमी के सब्सक्रिप्शन में आपको क्या क्या मिलेगा बच्चों, लाइव क्लासेज मिलेगी आपको, टेस्ट सीरीज क्विजेज मिलेंगे, डाउट क्लियरिंग सेशन मिलेंगे, और ये सारी चीजें तमाम चीजें आपको जो है मिलेगी। तो लाइव क्लासेज, टेस्ट सीरीज, क्विजेज, डाउट क्लियरिंग सेशन और ये सारी चीजें आपको उपलब्ध हो जाएगी। चलिए बच्चों आगे बढ़ जाते हैं। और बच्चों अब हम अन अकेडमी लर्निंग ऐप को आप बच्चों डाउनलोड कर ले, अन अकेडमी लर्निंग ऐप को आप डाउनलोड कर ले बच्चों, और ये प्ले स्टोर पर जाकर अन अकेडमी लर्निंग ऐप आप जो है डाउनलोड करें और इंस्टॉल करें। और इंस्टॉल करने के बाद प्यारे बच्चों आप जो है अन अकेडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करने के बाद पर लॉग इन करेंगे, और लॉग इन करके प्लस पर क्लिक करके आपको यूपीपीएससी पर क्लिक करेंगे, गेट सब्सक्रिप्शन आएगा और फिर बहुत सारे ऑफर्स आएंगे, और इन सारे ऑफर्स को आप लोगों को देख लेना है और जो भी इसमें से लेना चाहे बच्चों आप लोग तो आप ले सकते हैं। बस याद रहे Manju10 आपको यूज करना है, माय रेफरल कोड Manju10, गेट 10% ऑफ, यूज रेफरल कोड Manju10 एंड गेट 10% ऑफ बच्चों। उमेश गैंगवार, हर्षित श्रीवास्तव और सौरभ मिश्रा, गुड इवनिंग बेटा, सौरभ प्रणाम बेटा, और जितेंद्र सोनी आए हैं, गुड इवनिंग जितेंद्र बेटा, मंजू सिंह आई है, मंजू बेटा गुड इवनिंग, और विदु शर्मा गुड इवनिंग बेटा गुड इवनिंग, हर्षित श्रीवास्तव गुरु रंधावा हमारी क्लास में, पाजी फिर तो 100 हो जाए। अच्छा ये हर्षित श्रीवास्तव को देखो, ये बहुत जबरदस्त है। शशिकांत सिंह राठौर भी आ गए हैं, गुड इवनिंग बेटा शशिकांत। चलिए बच्चों जल्दी जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए आप चैनल को जल्दी जल्दी से, और आगे बढ़ते रहिए। और ये है लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक, इनके बारे में हमें चर्चा करनी है आज विस्तार के साथ। और लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक के काल में बच्चों बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं घटी है, बेहद महत्वपूर्ण घटनाएं इनके काल में घटी है। हम एक एक घटना की कहानी आपको बताएंगे, और कई घटनाएं बच्चों 1875 में इनके काल में बड़ी महत्वपूर्ण रही है। और दीपू कंडवाल, सर आजकल रामलाल नहीं आ रहा है, लग रहा है सब पढ़ लिया रामलाल ने। नहीं बेटा, रामलाल की शादी की बात चल रही है ना बेटा, एक्चुअली में रामलाल को लड़के वाले देखने आए, लड़की वाले देखने वाले आए थे, तो रामलाल शादी में मम्मा पर दबाव बना रहे थे ना रामलाल बेटा, माँ पर दबाव बना रहे थे बहुत लंबे समय से, लॉकडाउन में शादी कर दो, तो कहीं से रिश्तेदार को पकड़ के किसी को बुला के लाए, भाई इसको देख के जाओ। अब रामलाल को देख कर गए, तो रामलाल तो अभी तो बहुत प्रसन्न है अभी तक, हालांकि हाँ ना नहीं हुई है अभी तक लड़की वालों की तरफ से, लेकिन रामलाल बहुत खुश है और गाना गाता घूम रहा है, काला चश्मा जसदा है। चलिए बच्चों, रामलाल की खुशी का ठिकाना नहीं है, कुछ दिनों बाद रामलाल का दिल टूट भी सकता है। अगला पॉइंट बच्चों, और बढ़ जाते हैं आगे जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक पर। और बच्चों ये आ गया लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक, और ही अबोलिश्ड इनकम टैक्स। लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक के बारे में एक एक करके बात समझते जाइए बच्चों, ठीक है। और उमेश, 1872 से 76 तक केवल 4 साल का इनका समय रहा बेटा। और चांदनी कुमारी ने भी याद कर लिया है, और उमेश गैंगवार ने एनो डोमिनो, ओके। सौरभ मिश्रा, ये रामलाल है कौन? सौरभ मिश्रा रामलाल के बारे में पूछ रहे हैं, और रामलाल एक काल्पनिक चरित्र है हमारी क्लास का बेटा सौरभ, इसका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है, और यदि कोई रामलाल व्यक्ति पाया गया इस तरह का तो यह मात्र संयोग माना जाएगा। दीपक, ये लाइन डालते हैं हमेशा। उमेश गैंगवार, शादी सबसे पहले नहीं तो रामलाल संन्यास ले लेगा, बिल्कुल बेटा। विदु शर्मा भी आ गई है, और ये सारे बच्चे देखिए। चलिए बच्चों हम लोग बढ़ते हैं आगे, और एक एक करके एक एक चीज को समझते हुए चलते हैं बच्चों। पहली बात, इन्होंने इनकम टैक्स को समाप्त कर दिया बच्चों,
जो इनकम टैक्स था उसको समाप्त कर दिया कुछ शर्तों के साथ इन्होंने। कहते हैं इनकम टैक्स को समाप्त करने के बाद लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने नए टैक्सेशन का आगाज भी किया और इनके काल में कहते हैं बच्चों बंगाल में अकाल पड़ा। आप देख रहे हैं लगातार बहुत सारे जो गवर्नर जनरल हैं उनके काल में बच्चों अकाल पड़ते जा रहे हैं, आप देख रहे हैं इस बात में। सबसे बड़ी बात है प्यारे बच्चों कि अकाल वास्तव में भारत में पड़ता क्यों है बच्चों, अकाल पड़ता क्यों है? आप इतने सारे अकाल देखते जा रहे हैं, ज्यादातर गवर्नर जनरल के काल में आपने देखा, मेयो के काल में, उससे पहले लॉर्ड कैनिंग के काल में आपने देखा अकाल पड़ते जा रहे हैं। लेकिन बच्चों अकाल जो है इतने ज्यादा अकाल वास्तव में पड़ क्यों रहे हैं ब्रिटिश काल में, इस बात पर तो हमें चर्चा करना चाहिए, इस बात पर हमें चर्चा करनी चाहिए। और बच्चों इस बात पर चर्चा कैसे करें हम लोग, देखिए इस बात पर चर्चा ऐसे होगी बच्चों, अकाल क्या होता है? अकाल का मतलब होता है जब खाद्यान्न की कमी हो जाए, जब खाद्यान्न पदार्थों की कमी हो जाए बच्चों, इसका मतलब ये होता है। जब लोग भूख से मरने लगे, जब लोग भूख से मरने लगे और बच्चों संसाधन उनके पास ना हो भूख से लड़ने का, संसाधन ना हो। लेकिन प्यारे बच्चों ऐसी स्थिति पैदा हुई क्यों वास्तव में, ऐसी स्थिति वास्तव में पैदा क्यों हुई, इसको आज समझ ही लो आप पहले। यह काल क्या मामला है, यह काल का क्या चक्कर है, ये भूत अकाल अकाल हो गया, सबके काल में अकाल हो गया। मैंने बताया था बच्चों भारत में 100 से ज्यादा अकाल पड़े, लेकिन 50 अकाल बड़े थे इसमें से बहुत ज्यादा, और 10 अकाल तो बहुत बड़े थे बच्चों, जिनमें लाखों लोग काल के गाल में समा गए और समय समय पर यह अकाल पड़े। तो यह अकाल वास्तव में पड़ क्यों रहे हैं बच्चों, इसकी बात करनी है हमें। और फेमिन आयोग बना दिए जाते थे, कमीशन बना दिए जाते थे, लेकिन उससे होता क्या था, उससे होता क्या था? एक्चुअली में बच्चों कहानी शुरू होती है 1757 से, थोड़ा सा समझ लीजिए बच्चों आज इसको, पहले कहानी शुरू होती है 1757 से बच्चों, 1757 से कहानी शुरू होती है। और यहां से भारतीय इकोनॉमी में या इंडियन इकोनॉमी में बदलाव शुरू होते हैं बच्चों, यहां से इंडियन इकोनॉमी में बदलाव शुरू होते हैं बच्चों, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था में बदलाव। कैसे बदलाव होते हैं भाई भारतीय अर्थव्यवस्था में, इसकी भी बात कर लेते हैं हम लोग कि भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या क्या बदलाव होते हैं, समझ लेते हैं हम लोग। पहली बात भारतीय अर्थव्यवस्था में देखिए बच्चों क्या क्या बदलाव होता है। नंबर एक, रजनी पाम दत्त की एक पुस्तक है इंडिया टुडे, कौन सी पुस्तक है रजनी पाम दत्त की, इंडिया टुडे, ये पुस्तक है बच्चों रजनी पाम दत्त की। नाम है इंडिया टुडे। रजनी पाम दत्त इंडिया टुडे के माध्यम से बताती है, बताते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था को जो ड्रेन ऑफ वेल्थ हुआ, या भारतीय अर्थव्यवस्था के तीन फेज से भारतीय अर्थव्यवस्था गुजरी बच्चों, तीन चरणों से भारतीय अर्थव्यवस्था गुजरी, लिख लेना बच्चों इसको आप, तीन चरणों से भारतीय अर्थव्यवस्था गुजरी। ये तीन चरण कौन कौन से है बच्चों, इस पर एक बार देख लो जरा से, तीन चरण कौन कौन से है ये। सुशील यादव आए हैं, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग सुशील बेटा। कृषि तो हो रही थी मगर वाणिज्य फसलों पर ज्यादा ध्यान दिया गया, खाद्यान्न फसलों पर ध्यान नहीं दिया गया जिसके कारण अकाल पड़े। बिल्कुल बेटा राज सिंह, बिल्कुल सही। नेहा पांडे गुड इवनिंग बेटा, आनंद यादव गुड इवनिंग, कोई बात नहीं बेटा आनंद, और वर्षा भी हो सकता है, अभी बताते हैं बेटा कौन कौन से मेन रीजन थे। जुगनू चौधरी गुड इवनिंग बेटा, और हर्षित श्रीवास्तव, चांदनी कुमारी, सारे बच्चे जो है। आरवीपी मौर्य आए हैं, गुड इवनिंग बेटा आरवीपी,
आपका स्वागत है बेटा, बहुत बहुत। चलिए बच्चों, तो तीन चरणों में इंडिया टुडे में बताया गया भारतीय अर्थव्यवस्था के तीन चरणों में बच्चों, ब्रिटिश अर्थव्यवस्था के भारत में। पहला चरण हुआ, फर्स्ट फेज जो है बच्चों, पहला चरण वो हुआ 1757 से लेकर 1813 तक बच्चों, पहला चरण चला भारत में। गुड इवनिंग ईश्वर बेटा, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका, जल्दी आ जाओ बेटा। 1757 से लेकर 1830 तक फर्स्ट फेज चला बच्चों, पहला चरण चला। आप याद रखना, प्लासी के युद्ध की पूर्व संध्या पर, प्लासी के युद्ध की पूर्व संध्या पर अर्थात लास्ट इवनिंग पर, भारतीय अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की, मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं बच्चों ये बात, 26% थी। कितने प्रतिशत थी बच्चों? 26% थी भारतीय अर्थव्यवस्था। लेकिन धीरे 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 इसका पतन होता गया। 1757 से 1813 तक ब्रिटिशों का पहला चरण चला, और बच्चों इस चरण को क्या कहा गया? इस चरण को कहा गया कमर्शियलिज्म या वाणिज्यवाद, वाणिज्यवाद कहा गया इस चरण। वाणिज्यवाद का मतलब था ब्रिटिश भारत से टैक्स वसूलते थे, माल खरीदते थे तैयार, और उसे जाकर यूरोप और अमेरिकन और दूसरे देशों की मार्केट में बेच देते थे बच्चों। भारत से टैक्स वसूला, माल खरीदा और बेच दिया यूरोपियन मार्केट में ले जाकर, और 1757 से लेकर 1813 यानी 56 साल 56 ईयर्स तक यही चलता रहा बच्चों भारत में। लगातार भारत की लूट होती रही, लगातार भारत की लूट होती रही। भारत से टैक्स वसूला, ले जाकर बाहर बेच दिया, सामान खरीदा ले जाकर बाहर बेच दिया, पहले चरण में ये चलता रहा। सेकंड फेज में क्या हुआ? सेकंड फेज तक आते आते भारत से ड्रेन ऑफ वेल्थ बहुत ज्यादा हो गया था बच्चों। भारत से यानी कि जो ड्रेन ऑफ वेल्थ था वो बहुत ज्यादा हो गया था बच्चों। छब्बीस प्रतिशत पूरी दुनिया की, अर्थित बेटा यह आश्चर्य की बात है, लेकिन वास्तव में हम 26% इकोनॉमी के साथ थे। और सेकंड फेज में क्या हुआ बच्चों? सेकंड फेज में क्या हुआ? दूसरा चरण चला 1813 से लेकर 1858 तक बच्चों, ये सेकंड फेज चला 1813 से लेकर 1858 तक। और इस चरण में क्या हुआ भाई, ये भी सुन लो आप ध्यान से बात को, इस चरण में क्या हुआ? इस चरण में कुछ नया ही काम हुआ बच्चों, और अब रूप बदल दिया गया, मुक्त व्यापार का रूप रखा गया। क्योंकि बच्चों ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हो गई और बड़ी बड़ी मशीनें आ गई, तो उत्पादन जो है वो बहुत बढ़ने लगा, उत्पादन बहुत ज्यादा बढ़ गया बच्चों। रवीना रेधुआई है, रवीना बेटा राम राम, और शालिनी सुमन गुड इवनिंग बेटा, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। देखिए मुक्त व्यापार का दूसरा चरण था प्यारे बच्चों, फ्री ट्रेड होगा इस काल में। अरे जो भारत से धन गया था, औद्योगिक क्रांति संभव हुई, औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन में हुई, बड़ी बड़ी मशीनें आ गई औद्योगिक क्रांति में, और जिस काम को 500 लोग मिलकर करते थे बच्चों, उस काम को 10 लोग करने लगे, उस काम को 10 लोग करने लगे। तो ये क्या हो रहा था, ये क्या हो रहा था मेरे प्यारे बच्चों? ये अब उन्हें बड़ी बड़ी मशीनों के लिए कच्चा माल चाहिए था बच्चों। तो कच्चा माल कहां से आएगा उनके पास? तो इस कार्य के लिए उन्होंने भारत को चुना कच्चे माल के लिए, और भारत से बच्चों कच्चा माल ले जाया गया कहां? ब्रिटेन में ले जाया गया कच्चा माल। कच्चा माल क्या था भाई? कच्चा माल था कपास, जो भी रॉ मटेरियल था, कपास, नील आदि सब कुछ बच्चों भारत से ले जाया गया। और बच्चों कमर्शियल फसलें,
भारतीयों से करवाई गई और कमर्शियल फसलें करवाई गई और खाद्यान्न फसलें बच्चों कम होती चली गई। कहा जाता है कि खाद्यान्न फसलों के कम होने से भारत में बड़े बड़े अकाल पड़े बच्चों। एक बात, लेकिन ये पूरा पहलू नहीं है, अभी इसके और भी पहलू सुन लो बच्चों आप। कहा जाता है जब कच्चे माल को ब्रिटेन ले जाया गया और मशीनों से तैयार माल बना, यानी कि माल फिनिश्ड जो गुड्स थी वो बनी, उन्हें वापस भारतीय मार्केट में लाया गया। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन के पास तो इतना बड़ा बाजार नहीं था बच्चों कि उस माल की खपत कर सके। इतना बड़ा बाजार ब्रिटेन के पास था नहीं था कि उस माल की वह खपत कर सके, नहीं था उसके पास। तो पहले तो रॉ मटेरियल का सोर्स क्या बनाया गया? भारत को। फिर रॉ मटेरियल को ले जाकर तैयार किया गया माल, और फिर बाजार के रूप में भारत को ही चुना गया बच्चों। तिहरा लाभ, 3 times जो बेनिफिट थे वो बच्चों हो गए। टैक्स वसूला, रॉ मटेरियल लिया, ले गए ब्रिटेन, वहां से लाए और भारतीय बाजारों में माल भर दिया। ये माल, ये बताओ मुझे, सस्ता होगा कि नहीं होगा? एक व्यक्ति जो हथकरघा उद्योग, यानी कि जो हथकरघा उद्योग थे वो खत्म हो गए इससे, क्योंकि भाई मशीन मेड प्रोडक्ट्स मार्केट में थे और वो सस्ते थे क्योंकि उनकी लागत कम थी। भारतीय सूती वस्त्र और भारतीय बुनकर बेरोजगार होने लगे बच्चों और सब कृषि की तरफ बढ़ने लगे। 1850 में हिंदुस्तान में एक उद्योग नहीं था। कार्ल मार्क्स कहता है 1850 के आसपास हिंदुस्तान में एक उद्योग नहीं था और भारत में बुनकरों की हड्डियां मैदान में बिखरी पड़ी थी। भारत में बुनकरों की हड्डियां मैदान में बिखरी पड़ी थी। कहते हैं ये सारे बुनकर, ये सारे कारीगर, ये हथकरघा उद्योग वाले, हैंडीक्राफ्ट्स वाले कहां गए? ये कृषि की तरफ गए। और टैक्सेशन एग्रीकल्चर में बहुत बढ़ा दिया गया, और एग्रीकल्चर में क्या हो रहा है? रॉ मटेरियल्स हो रहा है, रॉ मटेरियल्स के लिए खेती हो रही है। तो क्या हो रही है, तो क्या हो रहा है बच्चों? अरे खाद्य पदार्थों की कमी पड़ेगी जब रॉ मटेरियल्स वाणिज्यिक फसलें उगाई जाएगी आपसे, तो खाद्य पदार्थों की कमी होगी, होगी। अकाल पड़ेंगे, पड़ेंगे। तो इसलिए भारत में अकाल पड़े इतने सारे अन्नदाता, भारत में उस दूसरे देश में अकाल पड़े बच्चों जिसकी लैंड इतनी ज्यादा फर्टाइल थी। पहले तो अकाल नहीं पड़े, मुगल काल में तो अकाल नहीं पड़े, बहुत कम पड़े, न के बराबर। सल्तनत काल में तो अकाल नहीं पड़े, क्या वहां का शासन नहीं था ऐसा? पड़ा अकाल मोहम्मद बिन तुगलक के काल में, एक आध अकाल पड़ा, लेकिन बच्चों इतना लंबा चौड़ा तो अकाल नहीं था। मोहम्मद बिन तुगलक ने 2.5 crore रुपए खर्च किए उस अकाल पर लोगों को कल्याण के लिए, कार्य के लिए। आपको जानकर हैरानी होगी कि ब्रिटिश से पहले जितने भी आक्रमणकारी हिंदुस्तान में आए या जितने भी शासक हिंदुस्तान में आए, उनमें और ब्रिटिशों में बहुत बड़ा अंतर था प्यारे बच्चों, बहुत बड़ा अंतर था उनमें और ब्रिटिशों में। क्या अंतर था, क्या बड़ा अंतर था बच्चों? सबसे बड़ा अंतर ये था प्यारे बच्चों, सबसे बड़ा अंतर ये था कि जहां दूसरे लोगों ने भारतीय सभ्यता संस्कृति को अपना लिया और भारत को अपना देश मानना शुरू किया, वहीं बच्चों ब्रिटेन ने कभी भी भारत को अपना राष्ट्र नहीं माना और उन्होंने भारतीय संस्कृति को नहीं अपनाया, बल्कि उन्होंने भारत पर अपनी संस्कृति को थोपा। यह अंतर था दूसरे आक्रमणकारियों में और उनमें, यह अंतर था बच्चों बड़ा। आप इसको समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो ये बताओ मुझे। तो भारतीय इकोनॉमी 3 भागों में, तो बच्चों इसलिए अकाल पड़े हिंदुस्तान में। और तीसरा चरण भी जब मैं समझा ही रहा हूं तो बच्चों वो भी समझ ही लो आप। बहुत चालाक थे बिल्कुल अंग्रेज बेटा, और ब्रिटेन में तैयार किया, फिर इंडिया में 2x कीमत पर सोल्ड किया। बिल्कुल चांदनी कुमारी, लॉर्ड नॉर्थब्रुक चल रहा है बिल्कुल बेटा, और हमारी ही चीजें हमें ही बेच रहे हैं। वाह क्या दिमाग लगाया, बिल्कुल बेटा ब्रिटिशों के पास दिमाग ही तो था। रॉ मटेरियल नहीं होगा तो अकाल तो पड़ेगा ही। और बच्चों यही सारी चीजें हमें जो है
ये चीजें जो है बच्चों भारत को भारी पड़ी। तो तीसरा चरण भी बच्चों आप लोग समझ लीजिए, जब आज चरणों की बात हम कर रहे हैं तो तीसरा चरण भी आज आप समझ लीजिए, थर्ड फेज बच्चों क्या था ये समझ लीजिए। तीसरा चरण क्या था 1858 से लेकर बच्चों तीसरा चरण जो है वह 1947 तक रहा, और बच्चों इसको पूंजीवाद का चरण कहा जाएगा। किसका चरण कहा जाएगा? पूंजीवाद का चरण कहा जाएगा, पूंजीवाद का चरण कहा जाएगा बच्चों, ठीक है। पूंजीवाद, अब ब्रिटेन के पास धन इकट्ठा हो गया, भारत में विकास करना है, तो उन्होंने कहा तो ठीक है भारत में विकास कर देते हैं, फिर भारत में डेवलपमेंट फिर हम लोग कर देते हैं, और भारत में डेवलपमेंट करेंगे तो उसकी एक शर्त है, भारत को ही ब्याज पर देंगे पैसा, भारत को ही ब्याज पर देंगे पैसा बच्चों, और भारत को ही भारत का पैसा ब्याज पर दिया गया और तब भारत का विकास किया गया। प्यारे बच्चों, जो बहुत सारे बच्चों ने लगता है लाइक नहीं किया है, जल्दी से लाइक कर दे और लाइक कर दीजिए बच्चों, बहुत कम लाइक दिख रहे हैं हमें, तो जल्दी जल्दी से लाइक कर दीजिए आप लोग प्लीज। चलिए बच्चों अगला पॉइंट बढ़ते हैं हम लोग। तो बच्चों यहाँ पर मैंने बताया कि और इनके काल में बच्चों कूका आंदोलन नए फॉर्म में फिर से शुरुआत हुआ, और अब की बार कूका आंदोलन पंजाब में शुरू हुआ था बच्चों, मैं बार बार बता रहा हूँ राम सिंह कूका के नेतृत्व में, लेकिन अब की बार भगत जवाहर मल के नेतृत्व में यह आंदोलन शुरू हुआ, कूका आंदोलन। कूका आंदोलन भारत में बच्चों बहुत आंदोलन हुए हैं, और कूका आंदोलन की शुरुआत हुई बच्चों इनके काल में, नॉर्थ ब्रुक के काल में, भगत जवाहर मल के काल में बच्चों ये हुआ, ठीक है। तो प्यारे बच्चों जल्दी जल्दी से प्लीज आप लोग लाइक और शेयर कर दीजिए, बहुत सारे बच्चे क्लास में हैं लेकिन लाइक कम दिख रहे हैं, तो जिसने लाइक नहीं किया है प्लीज लाइक कर दे बच्चों आप लोग, ठीक है। तो बच्चों भारत का पैसा, तब भारत में रेलवे बिछी, डाक तार सेवाओं का जो विकास हुआ, टेलीग्राफ जो सर्विसेज हुई, लॉर्ड मेयो में हमने और एल्गिन में हमने बताया था आप लोगों को, ठीक है। तो ये सब चीजें उसके बाद ही स्टार्ट हुई बच्चों। अगला पॉइंट, और बच्चों ये मैंने आपको समझाया और ये समझिए बच्चों, इनके काल में एक सबसे महत्वपूर्ण घटना घटी, आर्य समाज की स्थापना। सबसे महत्वपूर्ण घटना थी बच्चों आर्य समाज की स्थापना, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना बच्चों दूसरी महत्वपूर्ण घटना थी, और तीसरी महत्वपूर्ण घटना थी अलीगढ़ मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय सर सैयद अहमद खान इन 1875। अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत हुई बच्चों सर सैयद अहमद खान के द्वारा 1875 में। यहाँ पर ये थोड़ी सी बातें समझ लेनी बच्चों बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, यदि आप इस चीज को नहीं समझेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। कैसे, इसको समझिए। 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना हुई, दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई बच्चों, दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना हुई, और रितु विश्वकर्मा ही हैं, गुड इवनिंग बेटा रितु। और चलिए बच्चों सारे बच्चे जल्दी जल्दी से सारे बच्चे बच्चों जल्दी जल्दी से आप लोग जो है लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए बच्चों चैनल को। और आर्य समाज की बात कर रहे हैं बच्चों हम लोग, आर्य समाज की बात हम लोग कर रहे हैं। 1875 में तीनों घटनाएं हुई, 1875 में, चाहे वह आर्य समाज हो, चाहे वह आर्य समाज के साथ साथ बच्चों अलीगढ़ मूवमेंट हो, या फिर अलीगढ़ मूवमेंट हो बच्चों, ये तीन बहुत क्रांतिकारी कदम जो है 1875 में शुरू हुए बच्चों, 1975 में। चलिए अब बच्चों इसको एक बार हमारे ये समाज को समझ लेते हैं कि वास्तव में आर्य समाज है क्या। आर्य समाज बच्चों क्या था इसको हम समझते हैं बच्चों,
आर्य समाज की स्थापना की थी बच्चों दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। इसको थोड़ा सा समझो बच्चों आप लोग। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी बच्चों, और ये बात है 1875 की बच्चों, 1875 की। दयानंद सरस्वती का जन्म बच्चों 1824 में हुआ था टंकारा गुजरात में। टंकारा गुजरात में बच्चों, एक जगह है गुजरात में टंकारा, वहां पर हुआ था इनका जन्म। राधिका सानी आई है, गुड इवनिंग बेटा राधिका, गुड इवनिंग बेटा, स्वागत है बेटा आपका, कोई बात नहीं बेटा। चलिए बच्चों, प्यारे बच्चों आज जो है लाइक कम दिख रहे हैं, प्लीज आप ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो है लाइक कर दे इसको, सेशन को ज्यादा से ज्यादा बच्चे लाइक कर दे और इसको समझते हुए चलिए। कहते हैं बच्चों दयानंद सरस्वती जो है, और वास्तव में आर्य समाज जो है, आर्य समाज एक अलग तरह का आंदोलन है बच्चों। आर्य समाज एक अलग तरह का आंदोलन है। 1824 में जन्म के बाद एक ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ बच्चों, आर्य समाज यानी दयानंद सरस्वती का ब्राह्मण समाज में, और इनके ब्राह्मण परिवार में, और बच्चों कहते हैं इनके बचपन का नाम था मूल शंकर। इनके बचपन का नाम था मूल शंकर बेटा बच्चों। मूल शंकर इनके बचपन का नाम था। कहते हैं मूल शंकर को महाशिवरात्रि के दिन बच्चों एक दृश्य दिखा। महाशिवरात्रि के दिन एक दृश्य दिखा, और ये दृश्य था कि जब सब सो गए बच्चों तो कहा जाता है कि एक चूहा आया बच्चों। वह चूहा आकर कहते हैं शिवलिंग पर बच्चों वह चारों तरफ घूमा, और उसके बाद वहां पर जो कंद मूल फल जो रखे हुए थे वो खाए, मिष्ठान खाया, और उसके बाद बच्चों मल मूत्र त्याग करके वह चूहा चला गया। मूल शंकर जाग रहे थे, बहुत बड़े शिव भक्त थे वो। मूल शंकर जाग रहे थे बच्चों, कैसे क्रांति हुई उनके जीवन में हम ये बता रहे हैं, कैसे क्रांति हुई उनके जीवन में हम इसकी बात कर रहे हैं। क्रांति एकदम से होती है बच्चों, अचानक से घट जाती है क्रांति, और उनके जीवन में भी ऐसे ही घटी। और कहा जाता है कि उन्होंने ये दृश्य देखा तो उन्होंने कहा कि ये कैसा भगवान है जो अपनी रक्षा नहीं कर सकते, वो हमारी रक्षा क्या करेंगे। दयानंद सरस्वती ने सोचा बच्चों, और उसी दिन उसे उन्होंने घर छोड़ने का फैसला ले लिया बच्चों। परिवार वालों को पता चला कि घर छोड़ने की बात दिमाग में आ रही है, और उन्होंने बच्चों शादी की ठानी। लेकिन एक दिन रात में चुपके से निकल भागे दयानंद सरस्वती घर से, और बच्चों इधर उधर भटकने के बाद, इधर उधर घूमने के बाद वे मथुरा पहुंचे। कहां पहुंचे? मथुरा पहुंचे बच्चों, और मथुरा पहुंचे विरजानंद स्वामी के आश्रम में। विरजानंद स्वामी के आश्रम में पहुंचे, और वहां बच्चों उन्होंने शिक्षा दीक्षा प्राप्त की, और उन्होंने मूर्ति पूजा का भारी विरोध किया बच्चों। अपोज्ड आइडोल वर्शिप, मूर्ति पूजा का भारी विरोध किया उन्होंने, और उन्होंने कहा, सबसे पहली बार बच्चों उन्होंने कहा, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। बच्चों वेद को फिर से प्रतिस्थापित करना चाहते थे, वेदों की ओर लौटो, ये नारा दिया उन्होंने। और ये क्वेश्चन भी बहुत सारे एग्जाम्स में बच्चों पूछा जा चुका है कि वेदों की ओर लौटो, किसकी ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो।
बैक टू वेदाज, बैक टू वेदाज बच्चों। और उन्होंने कहा इंडिया ओनली फॉर इंडियंस, भारत केवल भारतीयों के लिए है, भारत केवल और केवल किसके लिए है, भारतीयों के लिए है बच्चों, केवल भारत। तो प्यारे बच्चों कुल मिलाकर मैं कहना चाहता हूं कि आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई, ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ, मूल शंकर जो है इनके बचपन का नाम था, मूर्ति पूजा का इन्होंने विरोध किया, 1875 में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की और ये जीवन भर बच्चों मूर्ति पूजा जैसी बुराइयों से लड़े। 1883 में दयानंद सरस्वती को बच्चों पॉइजन दे दिया गया, जहर दे दिया गया, दयानंद सरस्वती को जहर दे दिया गया बच्चों। और दयानंद सरस्वती का कहना था कि योग के माध्यम से मनुष्य 200 वर्ष जिंदा रह सकता है और मैं 200 वर्ष जीवित रहकर दिखाऊंगा। दयानंद सरस्वती ने कहा था कि मैं 200 वर्ष जीवित रहकर दिखाऊंगा। कहते हैं बच्चों लेकिन 1883 में उन्हीं के रसोईया के द्वारा दयानंद सरस्वती को जहर दे दिया गया। पहले मूल शंकर बेटा, मूल शंकर नाम है, और पहले कहते हैं बच्चों उन्हें केवल जहर दिया गया लेकिन उन्हें योग आता था बहुत जबरदस्त तरीके से, तो कहते हैं बच्चों उन्होंने उसे अपने योग के माध्यम से बाहर निकाल दिया लेकिन फिर से उन्हें जहर दिया गया। कुछ समय बाद फिर से उन्होंने बाहर निकाला गया और फिर बच्चों उसमें कांच पीस कर दिया गया। कांच होता है ना बच्चों, कांच, कांच को पीस करके और पॉइजन खाने में मिला करके पॉइजन के साथ दिया गया। अब की बार वो उसे बाहर निकाल नहीं पाए और प्यारे बच्चों 1883 में इस दुनिया से चले गए दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती की प्रमुख पुस्तक का नाम है सत्यार्थ प्रकाश बच्चों, सत्यार्थ प्रकाश इनकी प्रमुख पुस्तक का नाम है। और दयानंद सरस्वती के द्वारा बच्चों सत्यार्थ प्रकाश नाम की पुस्तक लिखी गई थी। शालिनी सुमन कह रही है क्या 200 वर्ष तक जीवित रहते, आई डोंट नो बेटा, मुझे भी नहीं पता लेकिन उन्होंने कहा था ऐसा कि मैं 200 वर्ष तक जीवित रहकर दिखाऊंगा, ऐसा उन्होंने कहा था बेटा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों दयानंद सरस्वती ये थे और ये था आर्य समाज। तो 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुई, आर्य समाज उत्तर भारत में बहुत प्रचारित प्रसारित हुआ बच्चों। और आर्य समाज यदि हम क्षेत्रों की बात करें आर्य समाज के बारे में कि कौन कौन से क्षेत्रों में फेमस हुआ, तो बच्चों आर्य समाज जो है कई क्षेत्रों में फेमस हुआ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पंजाब के एरिया में, राजस्थान के एरिया में और बच्चों बिहार में भी, उत्तर भारत में कई, उत्तर भारत में जो है आर्य समाज बच्चों बहुत पॉपुलर हुआ। तो बच्चों ये आर्य समाज था, बाकी जब हम आंदोलन पढ़ेंगे तो आर्य समाज के बारे में और डिटेल से जानेंगे, कैसे इन्होंने शुद्धि आंदोलन स्टार्ट किया था और किस प्रकार इन्होंने आर्य समाज दो भागों में बट गया था बच्चों, और दयानंद सरस्वती ने क्या क्या काम किए और कौन कौन सी इनकी पुस्तक है और डिटेल में। यहाँ पर तो हमने बताया चूंकि आर्य समाज का जिक्र आ गया था तो आर्य समाज के बारे में आपको बताना बेहद जरूरी था बच्चों। दूसरा पॉइंट है बच्चों आर्य समाज की स्थापना 1875 में मुंबई में आर्य समाज को दयानंद सरस्वती के द्वारा स्थापित किया गया। दूसरा पॉइंट है बच्चों थियोसोफिकल सोसाइटी का, थियोसोफिकल सोसाइटी वाज फाउंडेड बाय मैडम ब्लावत्स्की एंड कर्नल ओलकॉट। कर्नल ओलकॉट ने बच्चों न्यूयॉर्क में 1875 में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। आपने नाम सुना होगा बच्चों थियोसोफिकल सोसाइटी का, पक्का निश्चित रूप से थियोसोफिकल सोसाइटी का नाम सुना होगा। और आपने बच्चों एनी बेसेंट का नाम भी सुना होगा, एनी बेसेंट भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी की अध्यक्षा थी और एनी बेसेंट जो है वो थियोसोफिकल सोसाइटी की बच्चों अध्यक्षा थी।
लेकिन बच्चों थियोसोफिकल सोसाइटी है क्या वास्तव में? यदि हम इसकी बात करें कि थियोसोफिकल सोसाइटी वास्तव में क्या है, तो बच्चों हम ये जानेंगे कि थियोसोफी का मतलब होता है खोज करना, रिसर्च करना, अनुसंधान करना। यह थियोसोफी का मतलब होता है बच्चों, खोज करना या अनुसंधान करना। जैसे यहां पर समझिए आप, ये है बच्चों थियोसोफिकल सोसाइटी। थियोसोफिकल सोसाइटी, प्रथम महिला कांग्रेस, बिल्कुल बेटा सही बात है, प्रथम महिला कांग्रेस थी, प्रथम फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज एनी बेसेंट 1917 में। बच्चों कहते हैं थियोसोफिकल सोसाइटी का मतलब होता है, थियोसोफी का मतलब होता है रिसर्च करना। और किस पर रिसर्च करना? जो प्राचीन धर्म है, प्राचीन धर्मों की खोज करना, साथ ही साथ प्राचीन धर्मों के साथ साथ ही प्राचीन संस्कृतियों की खोज करना और महानता का पता लगाना कि कौन सी संस्कृति महान है और कौन सी संस्कृति सबसे ज्यादा विशेष संस्कृति है। थियोसोफिकल सोसाइटी का ये उद्देश्य था बच्चों। तो थियोसोफिकल सोसाइटी भारत में, कहते हैं बच्चों थियोसोफिकल सोसाइटी एनी बेसेंट 1893 में भारत आई और 1907 में कहते हैं वह अध्यक्षा बनी थियोसोफिकल सोसाइटी की। भारत में आरियार मद्रास में बच्चों थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय था। आरियार मद्रास में एक जगह है आरियार मद्रास, वहां पर बच्चों थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय था। लेकिन याद रहे थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना बच्चों बिल्कुल भी एनी बेसेंट ने नहीं की। बहुत सारे बच्चे जो सोचते होंगे कि थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना एनी बेसेंट ने की, लेकिन नहीं की बच्चों। किसने की? मैडम ब्लावतस्की और कर्नल ऑलकॉट। और कहते हैं मैडम ब्लावतस्की बच्चों बड़े अच्छे विचारों की थी, बहुत बढ़िया विचारों की महिला थी, बहुत अच्छे और बहुत उन्नत विचार और बहुत गहरे विचार उनके थे। और कहते हैं मैडम ब्लावतस्की की एक आदत थी कि वे जहां जहां जाती थी वहां वहां कहते हैं बच्चों कुछ बीज, पुष्प के कुछ बीज उनके हाथ में होते थे। बच्चों महान आत्माएं महान तरीके से सोचती हैं। जो महान आत्माएं होती है वो महान तरीके से सोचती है। मैडम ब्लावतस्की कहते हैं जहां जहां भी जाती थी अपने हाथों में कुछ पुष्पों के बीज उनके हाथों में होते थे बच्चों, और उसको वह उन बीजों को वह कहते हैं डालती चलती थी जहां भी स्थान देखती थी। और लोग उनसे पूछते थे कि मैडम जी आप तो इन रास्तों से शायद अब दोबारा ना गुजरोगी, तो फिर आप ये सब क्यों करते हो? तो वे कहती थी कि इनमें से यदि 10% बीज भी पुष्प बने, वृक्ष बने और उनको पुष्प उन पर पुष्प आए, या वो पेड़ बने, वृक्ष बने और उससे किसी को भी लाभ हुआ, तो सार्थक है ये पहल थे। किसी को उसकी छाया मिली, किसी को उसके पुष्प मिले, किसी को उसके फ्रूट्स मिले, कुछ भी बच्चे। मैडम ब्लावतस्की कहते हैं। और बच्चों क्लास आज की बहुत ज्यादा अच्छी है, लेकिन बहुत सारे बच्चे आज अब्सेंट है और सुशील भी हैरान है। और सच में बच्चों बहुत कम बच्चे हैं आज, मात्र 20 तक बच्चे, 20-22 तक बच्चे रहे हैं और अब तो शायद और भी कम है, तो अभी 14 ही बता रहे हैं सुशील यादव। और जबकि बेहद महत्वपूर्ण क्लास है बच्चों, और इतने महत्वपूर्ण क्लास को भी बच्चे नहीं आ रहे हैं, तो मतलब बच्चे मतलब क्या कर रहे हो बच्चों? चलिए बच्चों,
तो थियोसोफिकल सोसाइटी प्राचीन धर्मों से संबंधित है, प्राचीन धर्मों की रिसर्च से संबंधित है बच्चों, और वॉइस कम आती है बेटा। हाँ आज नेट प्रॉब्लम होगी बेटा, बिल्कुल एकदम। दीपक भी तो नहीं आए, आरती भी नहीं आई, और कई सारे बच्चे नहीं आए। वॉइस की प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए बेटा, वॉइस तो ठीक होनी चाहिए। वॉइस देखना तो बड़ा बड़ा बड़ी क्या बच्चों, अब ठीक है वॉइस? अब बताना बच्चों वॉइस कैसी है, अब वॉइस थोड़ी ठीक हुई? वॉइस थोड़ी ठीक हुई बच्चों, आवाज अच्छी आ रही है? चलिए बच्चों, वेरी गुड। तुम पहले बता देते बच्चों, हम थोड़ा सा बढ़ा दिया, हमें पता ही नहीं चल पाया, हम लोगों को पता ही नहीं चल पाया बच्चों। और आज रामलाल भी अब्सेंट है रामलाल तो अब्सेंट है, रामलाल आजकल शादी और विवाह की खुमारी में जो है प्रसन्नता के साथ रामलाल है बच्चों। चलिए बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चे कह रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड। तो बच्चों आरडीआर में ये मुख्यालय है, और इस मुख्यालय में ही कहा जाता है कि इस मुख्यालय एनी बेसेंट बच्चों कहते हैं भारत की हितैषी आयरलैंड की थी एनी बेसेंट बच्चों, आयरिश महिला थी एनी बेसेंट, आयरिश महिला थी बच्चों एनी बेसेंट। नाम सुना होगा आपने एनी बेसेंट का, ठीक है। तो बच्चों ये थियोसोफिकल सोसाइटी के बारे में, बाद में थियोसोफिकल सोसाइटी ने बच्चों रिसर्च भी किया और रिसर्च की रिपोर्ट भी उन्होंने दी। आपको जानते हो रिसर्च की रिपोर्ट उन्होंने क्या दी? रिसर्च की रिपोर्ट उन्होंने दी कि हिंदू दुनिया में सबसे महान धर्म हिंदू धर्म और महान संस्कृति हिंदू संस्कृति है। बुद्धिज्म और हिंदू धर्म को उन्होंने सर्वश्रेष्ठ बताया बच्चों, और हिंदू संस्कृति को सर्वश्रेष्ठ बताया उन्होंने। ये मैं नहीं, यानी बेसेंट ने कहा, ठीक है बच्चों। चलिए तो ये सारी बातें हुई बच्चों, और अनलाइक की संख्या बढ़ती हुई जबरदस्त तरीके से। तो प्यारे बच्चों ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने समझी, और आज हम लोग इतना ही रखेंगे बच्चों, आज हम लोग जो है इतना ही रखेंगे बच्चों। देखो ध्यान से, अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत भी हुई बच्चों। अलीगढ़ आंदोलन हम आज नहीं बता पाएंगे, अलीगढ़ आंदोलन और डिटेल से बता देंगे आपको, याद दिला देना आप कल की क्लास में, मतलब जब भी क्लास होगी अगली। आंदोलन अलीगढ़ आंदोलन बच्चों, ठीक है। और अलीगढ़ आंदोलन हम आपको बता देंगे सर सैयद अहमद खां के द्वारा शुरू किया गया था, क्योंकि आज नहीं कर पाएंगे हम, अभी क्लास को बच्चों जो है यहीं पर वाइंड अप करेंगे आज, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा 10-15 मिनट का, दो तो हमने समझा दिए, थियोसोफिकल सोसाइटी और आर्य समाज बच्चों। अलीगढ़ आंदोलन पर भी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे, तो अगली क्लास में करेंगे। आप बच्चों याद दिला दीजिएगा बस मुझे, ठीक है, कि सर अलीगढ़ आंदोलन आपको बताना था, तो हम बता देंगे बेटा, ठीक है। चलिए, और बच्चों 10 बजे पोल पोल में हिस्ट्री में जरूर आना है आप लोगों को आज, 10 बजे। पोल पोल में हिस्ट्री बच्चों, खेल खेल में हिस्ट्री में जरूर आना है। हमारी क्विज चल रही है और सारे बच्चों को पहुंचना है बच्चों उसमें, ठीक है, जल्दी से सारे बच्चों को पहुंचना है बच्चों उसमें, जरूर आना आप लोग, ठीक है। बताओ कौन कौन आ रहा है, जल्दी से जल्दी बताओ कौन कौन आ रहा है उसमें। जल्दी बताओ कौन कौन आ रहा है,
सब्सक्रिप्शन आप ले ले बच्चों, सब्सक्रिप्शन आप लोगों के लिए बेहद अनिवार्य है। हमारा बहुत जबरदस्त कोर्स आने वाला है फिर से नया, और मंजू टैन बच्चों आप सब्सक्रिप्शन के लिए प्रयोग करें। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप लोगों का, आपका हमसे जुड़ने के लिए। और ईश्वर सिंह ने कहा है कि मैं आऊंगा सर। थैंक यू ईश्वर बेटा, आप तो आते ही है। चलिए बच्चों, तो मिलते हैं फिर रात में 10 बजे। रात में 10 बजे मिलते हैं बच्चों। ओके, और मनोज शर्मा, वेलकम मनोज शर्मा। वेलकम बेटा।